हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली आईएमडी ने ये एक न्यूज़ कहा है कि जो मॉनसून, क्योंकि आज जो है 1 जून है, तो जो केरला में जो मॉनसून इस साल की जो साउथ वेस्ट मॉनसून जो होनी है, ये थोड़ी सी 2-3 दिन डिले हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेनली मॉनसून के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल मॉनसून जो थ्योरी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो डिले हो सकती है 2-3 दिन की, थोड़ी सी कभी कभी डिले हो जाती है, थोड़ी सी एडवांस तरफ से भी होती है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जो मॉनसून जो होती है उसका इम्पैक्ट, उसकी इम्पोर्टेंस इंडिया में कैसी कैसी है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि जो एक अप्रोक्सीमेट जो एक ट्रेडिशनल पैटर्न रहती है कि मॉनसून जो है 1 जून को हर साल केरला में जो हिट करती है, ये 2-3 दिन डिले हो सकती है, यानी कि 3 जून तक ये केरला में एंटर कर जाएगी। तो यहाँ पे जो है आईएमडी का जो कहना है कि कुछ कुछ फैक्टर्स यहाँ पे होती है, तो 3 मेन फैक्टर्स बोला जाता है यहाँ पे। 3 मेन फैक्टर्स में से अगर 2 फैक्टर भी यहाँ पे मीट हो जाती है तो थोड़ी सी यहाँ पे डिले हो जाती है। तो मेन पहला फैक्टर जो बोला है कि जो वेस्टर्लीज है, यानी कि जो वेस्ट साइड से आने वाली जो हवा है, यहाँ पे जो वेव है, ये इसकी अगर मिनिमम डेप्थ और स्पीड में कमी हो, इसके वजह से भी थोड़ी सी यहाँ पे जो है डिले हो सकती है। यहाँ पे 60% जो अलग अलग जो स्टेशन है केरला में और जो कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका में है यहाँ पे, तो इसमें अगर जो रेनफॉल 2.5 mm या उसी रेंज में अगर होगी, और अगर ये देखा जाता है कि 10 मई तक, तो क्या होता है कि उससे भी थोड़ी सी डिले हो सकती है। और यहाँ पे क्लाउड्स की जो कितनी क्लाउड रहती है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस करूंगा मैं, यहाँ पे इसके पहले भी मैंने कई बार इसको डिस्कस किया जाए है, जो ITCJ का जो कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू जो यहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, तो उसके लिए भी एक पैरामीटर होती है जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। तो यहाँ पे जो है क्लाउड, इसमें अगर 200 W पर स्क्वायर मीटर से कम होती है तो इसके वजह से भी होता है। तो इन तीनों में से अगर 2 भी क्राइटेरिया मीट हो जाती है तो थोड़ी सी डिले हो जाती है यहाँ पे। तो थोड़ा सा अगर हम लोग मॉनसून के जो थियोरी को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जैसे जानते हैं कि ग्रेजुअली जब इंडिया में, इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट में, जब जून मई जून तक क्या हो जाता है कि टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ने लग जाती है, तो उस टाइम में क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ITCJ जो है ये ग्रेजुअली नॉर्थ की तरफ मूव करती है, और सन रेज जो है ये वर्टिकली जो है इस दौरान जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आती है। तो ग्रेजुअली यहाँ पे क्या होगी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे हीट बढ़ जाएगी, ITCJ नॉर्थ की तरफ मूव करती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हीट जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आएगा तो ये जो है एयर गर्म होगा, और गर्म एयर जो है ये ऊपर की तरफ मूव करती है। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे जब मूव करेगी तो उस जगह पे जो है एक वैक्यूम, यानी कि खाली जगह यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। और ग्रेजुअली क्या होता है कि नीचे से, यानी कि साउदर्न पार्ट, जो अगर बात करेंगे जो इंडियन ओशन, यहाँ से अगर बात करेंगे अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल से, यहाँ पे ग्रेजुअली अगर हम बात करेंगे साउदर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि ITCJ ऊपर चली जाती है तो वहां पे जो वेव वो ठंडा होता है कंपेरेटिवली, और ठंडा वेव जो है ये हैवी होती है। तो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए यहाँ पे जो है मेनली जो कोल्ड वेव जो है नॉर्थ की तरफ यहाँ पे मूव करती है। तो बिकॉज ऑफ यहाँ पे कोरियोलिस इफेक्ट, आप देख सकते हैं ये सीधा नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे जो है साउथ से लेके ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि जो वेस्टर्ली इसको बोला जाता है, ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे मूव होती है बिकॉज ऑफ यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स। तो आप देख सकते हैं जो ट्रेडिशनल पैटर्न है कि जून 1 तारीख तो केरला में हिट करती है, फिर ग्रेजुअली यहाँ पे अगर बात करेंगे जून 5 को जो है यहाँ पे जो मैंगलोर के आसपास गोवा में उस टाइम में तक हिट कर जाती है, और 10 जून तक जो है यहाँ पे मुंबई में हिट कर जाती है, और ग्रेजुअली यहाँ पे ऊपर की तरफ चली जाती है, और थोड़ी सी यहाँ पे जो है
अलग अलग इसके पैटर्न भी देखने को मिलते हैं। तो इसी को अगर हम लोग डिटेल में जानेंगे तो देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून या फिर एंड ऑफ मे सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वर्टिकली सन रेज आती है और आईटी सीजन ये नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं, ये तो डेफिनेटली आप जानते ही होंगे। तो इसी के हिसाब से जो बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो कोरियोलिस इफेक्ट, यहाँ पे जो विंड की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज होती है, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाती है। यहाँ पे तो साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन जब मूव करने के लिए यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे जो गर्म हवा है ये ऊपर जाती है, लो प्रेशर जोन क्रिएट होती है और इसी को फिलअप करने के लिए जो हाई प्रेशर जो कोल्ड वेव जो है एंटर करती है फ्रॉम द साउथ पार्ट। तो यहाँ पे जब मॉनसून आती है तो देखिए कि ये जो पार्ट हो गए इंडियन ओशन, तो यहाँ पे अरेबियन सी का पार्ट आता है और इस साइड में बे ऑफ बंगाल। तो मॉनसून की जो ये विंड है ये जब भी इंडियन ओशन या फिर ये जो मॉइस्चर अपने साथ कैरी करके लाती है यहाँ पे, उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला ब्रांच जो है यहाँ पे अरेबियन सी ब्रांच बोला जाता है। तो यहाँ पे अरेबियन सी में जो हवा है यहाँ पे मॉइस्चर सोक करके जब आती है इस साइड से, जो ये अरेबियन सी ब्रांच है, और दूसरी साइड में अगर यहाँ पे जहाँ से ये ओरिजिन हो रही है ये बे ऑफ बंगाल के थ्रू आती है। तो बे ऑफ बंगाल के थ्रू जब यहाँ पे ब्रांच ये जो ब्रांच आती है, तो जो यहाँ पे म्यांमार के जो यहाँ पे अराकान हिल्स है इसके साथ जो कोस्टल एरियाज में, तो यहाँ पे हिट करती है इस साइड में। तो हिट करके ये फिर से डिफ्लेक्ट होती है और डिफ्लेक्ट होके जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और जो इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे इस साइड में जो है रेन की क्रिएशन होती है, यहाँ पे रेन हो जाती है, लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ी सी टाइम भी लग जाती है। तो जब तक यहाँ पे अगर बात करेंगे वेस्ट बंगाल या फिर बांग्लादेश या फिर साउथ या फिर साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया की इस पार्ट में जब होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ी सी टाइम भी लग जाती है। तो पूरा मॉनसून की मैकेनिज्म यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर बुक्स में भी आप देखेंगे तो सेम टाइप से ही आपको समझाया गया है, लेकिन मेन चीज आपको कॉन्सेप्ट समझनी आनी पड़ेगी क्योंकि मेन मैकेनिज्म क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये जो थोड़ी सी डिले हुई है क्या ये अनयूजुअल है। तो जनरली क्या होता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में तकरीबन मई 15 से लेके मई 20 तक हर साल जो है यहाँ पे जो है मॉनसून जो है ऑलरेडी जो साउथ वेस्ट मॉनसून हिट कर जाती है, और कर्नाटका और फिर केरला कोस्ट में जो अगर बात करेंगे एंड ऑफ मई या फिर कभी कभी जो बिगिनिंग ऑफ द जो जून फर्स्ट वीक ऑफ जून जो है हिट कर जाती है। लेकिन यहाँ पे आईएमडीटी के जो यहाँ पे मेट्रोलॉजिस्ट है उनका कहना है कि यहाँ पे ऑलरेडी जो हम लोगों ने कंडीशंस बात की, तो वो कंडीशंस अगर मीट नहीं होती तो थोड़ी सी यहाँ पे डिले भी होती है। एज ए होल हर साल भारत में लगभग इन एन एवरेज 116 सेंटीमीटर की जो रेन होती है उनमें से साउथ वेस्ट मानसून ही जो है लगभग 89 सेंटीमीटर जो है रेन लाती है। तो लगभग आप मान लीजिए कि 70% जो रेन इंडिया में आती है इन एन एवरेज बिकॉज ऑफ साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि मानसून जब यहाँ पे इंडिया में हिट करती है तो यहाँ पे अलग अलग जगहों पे मानसून की रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन अलग होती है, अलग अलग टाइप से होती है, लेकिन इसके थ्रू इंडिया में ये आप नहीं बोल सकते कि डिले हो गई और इसके वजह से यहाँ पे मानसून कम आ जाएगी, इसके साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है। और मान लीजिए कि अगर मानसून कुछ मई एंड में आ गई, मई 28 में आ गई और या फिर जून के जो 5 जून तक आ गई, तो इससे जो इंटेंसिटी ऑफ मॉनसून का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। तो अगर हम लोग इस इमेज में देखेंगे 2016 में जो एक फॉरकास्ट डेट था 7 जून, लेकिन 8 जून को आई थी, थोड़ी सी डिले भी हो गई थी। 2017 में 30 मई तक आ गई थी, 2018 में 29 मई, 2019 में जो है 8 जून, लगभग 12-14 दिन तक ये लेट हो गया था, और 2020 में 1 जून तक आई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मई एंड से लेके फर्स्ट वीक ऑफ जून तक जो है मॉनसून जो है केरला में हिट कर जाती है। ये लास्ट जो है 5 साल का एक अप्रोक्सीमेट डेटा आपको दिया गया है, उसके साथ जो भी मैंने एक्सप्लेन किया आप उसको रिलेट कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। तो इंपैक्ट ऑफ मॉनसून अगर इंडिया में हम देखेंगे तो 64% ऑफ पॉपुलेशन जो है भारत की वो अगर डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के लिए, तो यहाँ पे मॉनसून जो है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पे। अगर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर भी हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर के लिए मॉनसून का वेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करेंगे जो भी फसलें उगाई जाती है यहाँ पे और जिस जगह पे इरिगेशन जो है ये अभी इतनी प्रॉपरली नहीं हुई है, इतनी प्रॉपरली टेक्निक्स नहीं हुए, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि टाइमली मॉनसून और एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन।
टाइमली मॉनसून यानी कि जिस टाइम पे यहाँ पे कहा गया है कि इस पर्टिकुलर रीजन में मॉनसून हिट करेगी, ये टाइमली मॉनसून और एडिक्वेट मॉनसून यानी कि जितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए पर्टिकुलरली उस सॉइल टाइप या फिर उस जगह की जो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, उस जियोग्राफिकल फैक्टर्स के हिसाब से, मॉनसून के हिसाब से जब खेती की जाती है, प्लानिंग की जाती है, उसके हिसाब से अगर मॉनसून रेन नहीं होती है तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो इंडिया की हर जगह पे आपको इक्वली यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी नहीं दिखने को मिलती है। एग्रीकल्चर जो यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो खेती होती है अलग अलग होती है यहाँ पे, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए रेन की जो वेरिएबिलिटी होती है, अलग अलग जगह पे रेन की डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होती है, उसके हिसाब से अलग अलग जगहों पे यहाँ पे सूखा भी पड़ता है, अकाल भी देखने को मिलता है या फिर फ्लड्स भी देखने को मिलते हैं। अगर बात कीजिए आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जुलाई महीने तक काफी फ्लड आ जाती है, लेकिन उसी टाइम जो है आप मान के चलिए कि गुजरात राजस्थान वहां पे काफी सूखा भी देखने को मिलता है, बहुत बार देखने को मिलता है। तो इसी के हिसाब से हमारी जो यहाँ पे पहनावे होते हैं, जो कल्चर होती है, जो घरों के टाइप होती है, इसमें भी चेंजेस आती है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के हिसाब से उस जगह की जो ग्रीनरी भी इफेक्ट होती है। आपको राजस्थान गुजरात में जैसे आपको कल्चर दिखेंगे, जितनी आपकी रेनफॉल दिखेगी, मेघालय में अलग दिखेंगी। जो मौसिनराम जो मेघालय में है, वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है यहाँ पे, वहाँ पे अलग दिखेगी यहाँ पे। और अगर बात करेंगे मॉनसून ब्रस्ट यानी कि सडनली अगर आ जाती है ह्यूज अमाउंट ऑफ रेन, तो उसका भी इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर लैंडस्लाइड हो गई यहाँ पे, सॉइल इरोजन हो गई, तो काफी मॉनसून का यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होती है, निगेटिव इम्पैक्ट भी होती है। तो ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछने की पॉसिबिलिटी है प्रीलिम्स में, और अगर रिलेटेड टू आपको मेन्स में पूछा गया तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है, ताकि आप अच्छे आंसर्स जो है एग्जाम में लिख सके। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग जो मॉनसून, जो आईएमडी ने कहा है कि गोवा में 2-3 दिन लेट होगी, इतने ज़्यादा इफेक्ट या सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन इसका मेन ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई कितने दिन लेट हो गई, मेन आपको मॉनसून के मैकेनिज्म के बारे में पूछने की पॉसिबिलिटी है। तो आशा करते हैं इसे आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।